हेलो गाइस, दिस इज़ मनोरंजन एंड वेलकम टू वाई ट्रेडर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो मंडे का मार्केट रहेगा तो उसमें क्या व्यू पॉइंट सही रहेगा, तो उसको हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज। तो इसमें भी अगर आप देखते हैं तो लास्ट डे मार्केट में यहाँ से जब गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन होने के बाद आपको दिखाया कि मार्केट एक रेंज पे आ गया जो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का एक रेंज था, जो अच्छा है। मतलब 300 पॉइंट पर ट्रेड होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ट्रेड नहीं होता है। तो इस 300 या फिर 250 ऐसे कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे। तो उसके हिसाब से मतलब हाई अगर लेंगे तो 300 हो जाएगा, अगर इस लेवल को लेते हैं तो आपका 300 पॉइंट पे मार्केट घूम रहा था। तो अभी क्या क्या है नीचे का आपको दिख रहा है, 34,348 343, राइट। इसको अभी यहाँ पर लो लगाया था मार्केट, तो उसके बाद मार्केट आप देख रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे मार्केट एक रिकवरी का ट्राई करा। तो अभी हो सकता है मार्केट भी इस लेवल को फिर से अप्रोच करे और इसको ब्रेक करके फिर से 50 EMA तक एटलीस्ट मार्केट जाए। तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो 34,000, वो है एक्चुअली 50 EMA का जो मार्क है वो है 34,900। तो मार्केट में एज पर अगर आप चार्ट देखते हैं तो 34,900 आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है। अगर आप वाई के हिसाब से देखते हैं तो आपको दिखेगा 35,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। और नीचे का अगर आप सपोर्ट देखते हैं तो अभी नीचे का सपोर्ट जो बन रहा है वो है 34,100। तो 34,100 तक मार्केट अभी आ सकता है, जो है यहाँ पे एक्चुअली 34,100 तक नीचे मार्केट आ सकता है। तो मार्केट अगर यहाँ से भी फॉल करता है तो मार्केट में जो टारगेट्स आपको बन रहा है यहाँ पर वो है, अगर मान लीजिए 34,900 पे मार्केट गया उसके बाद रिजेक्शन मार्केट में दिया तो आपका फर्स्ट टारगेट बन जाता है 34,700, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा ये वाला 34,343। ये आपका T2 बन जाएगा और नीचे जो 34,100 है वो आपका T3 बन जाएगा। तो यही सारे पॉसिबिलिटीज अभी बन रहा है, तो यही सारी चीज़ें आप ध्यान पे दीजिए। तो यहाँ पर एक बार वाई भी चेक कर लीजिए कि वाई पे क्या बिल्डअप है यहाँ पे। तो अब अभी आपको दिखेगा 35,000 पे आपका OI जो है 11 लैक्स आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी बिल्डअप है, 8 लाख का एक डिफरेंस है। और आपको दिखेगा कि 34,500 पे अभी जो है 2 लाख का ज़्यादा आपको पुट का बिल्डअप दिखेगा। तो उसके हिसाब से पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट एटलीस्ट शुरू में मार्केट ऊपर की तरफ अप्रोच करे, तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 34,900 तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा अभी नहीं जा सकता। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको पता है कि मार्केट 34,100 या फिर 34,000 तक आ सकता है। चार्ट के हिसाब से 34,100 और वाई के हिसाब से मार्केट 34,000 तक अप्रोच कर सकता है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।